हेलो बैंकर्स, वेलकम टू ऑल बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा एंड मैं आप लोगों का जेआईबी मेंटर। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आप सभी लोग लास्ट क्लास, अगर मैं बात करूँ कल रात 12 बजे के बाद से एक सर्कुलर जो है वो सर्कुलेट हो रहा है आपके सभी के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम ग्रुप्स पर, जिसे सभी बैंकर्स कुछ एक बीपीएस 12th बीपीएस एमओयू के नाम से जान रहे हैं। उस एमओयू में क्या हुआ है, उसमें क्या चीजें हैं, उन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको करना है कि वीडियो को करना है लाइक शेयर और चैनल को कर देना है आपको सब्सक्राइब, राइट। सो हम डिस्कशन करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके क्या क्या हैं, उन पॉइंट्स पर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें हैं जिन पर एमओयू साइन किया गया। एमओयू साइन करने का मतलब ये है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम बोलते हैं कि कई बार क्या होता है, जो पार्टीज होती हैं वो पार्टीज किसी एक पर्टिकुलर चीज को एग्री करने के लिए, किसी पर्टिकुलर काम को एग्री करने के लिए वो लोग एक एमओयू साइन करते हैं, जिसको हम समझौता बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ समझौते जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको हम बोल रहे हैं, वो यहाँ पर साइन हुए, जिसमें सैलरी इंक्रीमेंट, पेंशन इंप्रूवमेंट और 5 वर्किंग डेज को लेकर के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वो सर्कुलर में क्या दिया हुआ है उसे पॉइंट टू पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आप सभी लोग हमारा ये मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.olive.in। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। जी हाँ, अब ऑलिव बोर्ड बैंक प्रमोशनल एग्जाम्स भी कंडक्ट करा रहा है, उसके कोर्सेज भी आपको मिलेंगे कि जो भी बैंक प्रमोशनल एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं उनकी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। सो एसबीआई प्रमोशनल एग्जाम क्लर्क टू स्केल वन और कैनरा बैंक प्रमोशनल एग्जाम स्केल क्लर्क टू स्केल वन स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप जो लोग भी बैंक प्रमोशनल एग्जाम देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू ज्वाइन द ऑलिव बोर्ड, राइट। चलिए तो पहले तो देखें अपन एमओयू में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी बात करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि सबसे पहले तो ये बार बार 12th बीपीएस है जो एमओयू साइन हुआ है, पहली चीज। दूसरा, इसमें दो से तीन चीजों पर एग्रीमेंट हुआ है। एग्री ये हुआ है कि 17% हाइक होगा सैलरी पर, जिसका लोड फैक्टर आपको 3% दिखाई देगा। किस पर? पेंशन इंप्रूवमेंट पर, कि इंप्रूवमेंट पेंशन भी वहां आपको बढ़ी हुई दिखाई देंगे। और 5 डे बैंकिंग भी आगे चल के अनाउंस होने जा रहा है। तो इसमें कुछ 8 पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर बोल सकता हूं मैं इस सर्कुलर में। ये जो सर्कुलर है इसमें टोटल कितने 8 पॉइंट्स हैं, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको एक एक पॉइंट एक एक बार स्लाइड पर डिस्कस करके आपको समझाने वाला हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ बिटवीन इंडियन बैंक एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट ऑफ अ बैंक, जिसमें पार्टीज थी बाइपार्टाइट सेटलमेंट और यूनाइटेड फोरम। यूनाइटेड फोरम्स का मतलब होता है जो बैंक्स के हमारे यूनियंस होते हैं ना, उनका फोरम जो होता है, बैंक यूनियन, अदर यूनियंस, एसोसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन। और डिस्कशन हुआ है 7 दिसंबर 2023 को और रात 12 बजे 12 AM। तो डेट चेंज हो गई और बज गई आपकी, हो गई डेट 8 दिसंबर, इस पर आपको डेट दिखने लग गई, राइट। इसमें जो डिस्कशन हुआ है वो किन किन लोगों के बीच हुआ उसकी बात करते हैं, फिर उन्होंने क्या वहां पर उस चीज का कंक्लूजन निकाला है वो आपको इस पूरे के पूरे इंडियन बैंक एसोसिएशन की जो ये सर्कुलर है इसमें आपको देखने को मिलेगा। आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन ने यहाँ पर ये सर्कुलर निकाला है। डिस्कशन हुआ था इंडियन बैंक एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग मैनेजमेंट ऑफ द बैंक, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो वर्कमैन यूनियंस है, ऑफिसर्स की एसोसिएशन है, किस चीज को लेकर के थी, वेज। वेज का मतलब होता है जैसे मैं बोलता हूँ सैलरी, तो सैलरी को ही हम यहाँ पर वेज बोल रहे हैं। तो वेज रिवीजन मतलब अब जो आप लोगों की सैलरी है उसको रिवीजन या रिवाइज करना है, रिवाइज करने का मतलब अपडेट करना है ऑफिसर्स के लिए भी, और जितने भी लोग वर्कमैन का मतलब है ऑफिसर्स के अलावा जूनियर रैंक पर जो काम करने वाले बैंक के एम्प्लॉयज है वो सभी एम्प्लॉयज के लिए। मैनेजमेंट ऑफ द यूनियन, मैनेजमेंट जो है यूनियन एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग वर्कमैन स्टाफ ऑफिसर्स, इन्होंने एक्नोलेज किया है कि हमें बैंकिंग सिस्टम को रोबस्ट करना है और जो चैलेंजेस हम बैंक्स बैंकिंग इंडस्ट्री में फेस कर रहे हैं, कौन ऑफिसर्स और जो एम्प्लॉयज हैं, तो उसको लेकर के हमें कुछ पर्टिकुलर इम्प्रूवमेंट चाहिए, प्रोडक्टिविटी में एफिशिएंसी चाहिए। तो अगर आपको कस्टमर्स को ज्यादा अच्छी सर्विसेज, ज्यादा अच्छा पर्टिकुलरली ज्यादा अच्छी चीजें प्रोवाइड करनी है, सो आपको भी बैंक के एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ेगा, सैलरी और वेजेस उतनी अच्छी देने पड़ेंगी। सो जब हम लगातार, हमारे बैंकर्स मतलब आप लोग लगातार अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहे हैं, बैंक की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर बैंक्स के लिए भी इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सोचा है कि जब हमारे बैंकर्स इतनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं तो वी मस्ट इम्प्रूव, वी मस्ट
रिवाइज दी सैलरी, और ये जो सैलरी रिवीजन का कॉन्सेप्ट है आप लोगों के यूनियन की तरफ से आईबीए तक पहुंचा है। तो यहाँ पर कुछ कमिटमेंट्स किए गए हैं कि जिनको लेकर के एग्रीमेंट हुआ, एग्री हुए हैं, राजी हुए हैं कि जो पेंडिंग वेजेस सेटलमेंट से उन इश्यूज को खत्म करने के लिए उनमें एग्रीमेंट हुआ है कि हाँ भाई इन चीजों को हम मानेंगे। तो किन चीजों को मानेंगे और क्या क्या मानने वाली, तो पॉइंट वन ये कहता है कि वेज रिवीजन विल बी इफेक्टिव, आपकी जो भी सैलरी रिवीजन होगी उसको प्रभावित किया जाएगा, प्रभावी होगी वो 1 नवंबर 2022 से। मतलब जैसे मान लीजिए हम मानते हैं कि आज दिसंबर हो गया, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 1 जनवरी से इसको हम आपको पे करने पाएंगे, पे करेंगे, मतलब दिसंबर की आपकी लास्ट सैलरी आपको मिलेगी। तो जो दिसंबर 2023 की सैलरी होगी वो तो बढ़ के आएगी ही आएगी, और एक साल का 1 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक का जो अमाउंट होगा वो आपको एज एन अरियर मिलेगा, मतलब वो आपको मिलने ही वाला है, और ये पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के लिए इसको कैलकुलेट किया जाएगा। एनुअल इंक्रीज की बात करें कि टोटल आपकी जो सैलरी में हाइक होगा ना, जो सारे सैलरीज और अलाउंसेस को मिला करके, वो होगा आपका 17%। फॉर एग्जाम्पल आपकी बेसिक सैलरी प्लस आपके अलाउंसेस, इन पर आपको 17% का इंक्रीमेंट मिलेगा ईयरली बेसिस पर, राइट। इसके कारण ये जो पे स्लिप होगी ना, ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से आपको दिखने लग जाएगा, मतलब आपको जो भी मिलेगा उसमें अरियर भी दिया जाएगा, और ये आपके बैंक्स पर ओवरऑल 12,449 करोड़ का पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर एक बर्डन दिखाई देगा, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो नया पे स्केल होगा वो कंस्ट्रक्ट करेगा आफ्टर मर्जिंग डियरनेस अलाउंस। अब डियरनेस अलाउंस समझते हो आप लोग, डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। जो नया पे स्केल होगा इसमें हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसमें डियरनेस अलाउंस को पहले मर्ज कर दिया जाएगा बेसिक सैलरी में 8,088 पॉइंट्स पर। इसके बाद में सैलरी का आपका जो कैलकुलेशन होगा उसको लेकर के हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, राइट, कि हम उसपे 100 को बेस मान करके पर्टिकुलर सैलरी में क्या चेंजेस आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, राइट। तो वो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे, अभी अपन सिर्फ सर्कुलर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एवरेज इंडेक्स पॉइंट जो है क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर 2021 का, वो 3% होगा, जिसको हम इंक्रीज करेंगे बेसिक पे पे 31 अक्टूबर 2022 पे, और ऐड करते जाएंगे 3% का लगातार उसमें लोडिंग अमाउंट, जो कि आपके बैंक पर खर्चा करेगा, अब खर्चा होगा हमारी गवर्नमेंट का या बैंक्स का 1,795 करोड़। चौथा पॉइंट कहता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एनुअल वेज इंक्रीज वर्कमैन और ऑफिसर्स को, जो वर्कआउट करेगा सेपरेटली प्रोपोर्शनेट बेसिक, मतलब जो सैलरी होगी वो ऑफिसर्स की अलग होगी, वर्कमैन की अलग होगी, तो उनकी सैलरी पर ब्रेकअप, मतलब ये होता है कि इसको टोटल देखेंगे बेसिक, फिर बाकी सैलरी, बाकी अलाउंसेज, ये सब मिला करके, तो उसको फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो सैलरी थी उस पर एप्लीकेबल करके और फिर उसे आपको दिया जाएगा। अब एक बिना प्रिजुडाइज, बिना किसी अनुमान के, बिना किसी चीज की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर जो डिमांड थी यूनियंस और एसोसिएशन की वो ये थी कि आपको अपडेट करना होगा पेंशन सभी रिटायरीज के लिए, मतलब जो भी लोग रिटायर हो चुके हैं उन सभी की जो पेंशन है उसको अपडेट करना होगा। इस चीज को लेकर के भी ये हमारा जो 12th बाइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें ये पॉइंट, ये टर्म भी एग्री किया गया है कि एक वन टाइम मेजर एप्लीकेबल होगा, जो करंट बाइपार्टाइट जॉइंट नोटेड पीरियड जो कि मंथली या जो भी एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो आपको मिल रहा है उस अमाउंट पर कंसीडर किया जाएगा पेंशंस के साथ, सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो पेंशनर्स हैं और जो फैमिली पेंशनर्स हैं, पेंशन मतलब जो खुद पेंशन ले रहे हैं, और हो सकता है कि जो पेंशन उसकी डेथ होगी तो फैमिली उसकी पेंशन ले रही होगी, उनको पेंशन का बेनिफिट मिल रहा होगा, राइट। हुवर ड्रॉइंग पेंशन एज 31 अक्टूबर 2022, जो कि पेंशन ले रहे होंगे, मतलब लास्ट जिन्होंने पेंशन विड्रॉ की होगी या लिया होगा 31 अक्टूबर 2022 को, तो एप्लीकेबिलिटी ये कहती है कि जो रिटायरीज होंगे करंट सेटलमेंट पीरियड के, फिर उसको लेकर के आगे डिस्कशन किया जाएगा और उसे भी फिर कंसिडर करेंगे कि नहीं ये श्योर नहीं। एक्स ग्रेशिया अमाउंट अट्रैक्ट नहीं करेगा अलाउंसेस इंक्लूडिंग द डियरनेस अलाउंस। पार्टीज को यहाँ पर म्यूचुअली क्या करना होगा, डेट्स जो होंगी ड्रॉ की वो उनको बतानी होंगी कि लास्ट कौन सी डेट से इसको कंसीडर करना है, डिटेल्ड बाइपार्टाइट सेटलमेंट, अलग अलग इश्यूज जो होंगे वो पोजीशन पर पहुंचेगा कब।
पार्टी जो पार्टीज होंगी वो फाइनलाइज करेंगी बाइपार्टाइट सेटलमेंट को जॉइंट नोट के साथ में विद इन 180 डेज, मतलब जो भी अभी इन्होंने एमओयू साइन किया है उस पर सारा डिसीजन लेने के बाद 180 दिन में जो भी डेट रही होगी उस दिन से 180 डेज के अंदर इसको उनको क्या करना होगा, फाइनलाइज करना होगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने ऑलरेडी यहाँ पर रिकमेंड किया, रिकमेंड करने का मतलब है इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सरकार को पहले ही यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया है कि जितनी भी सैटरडेज हैं उन्हें एज द हॉलीडे कंसिडर करना चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर। तो ये सेक्शन 25 होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, जो हॉलीडेज को लेकर के काम करता है। तो पहले ही इंडियन बैंक एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को बोला है कि बैंक जितने भी होंगे उनका सभी सैटरडेज को, अभी क्या है सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे आपका क्या होता है हॉलीडे होता है, तो इसमें बोला फर्स्ट एंड थर्ड को भी इंक्लूड कर देंगे। तो आपका जो बैंक की वर्किंग होगी इन अ वीक वो 5 डेज वर्किंग हो जाएगी। तो इसको लेकर के इंडियन बैंक एसोसिएशन ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को क्या किया है, रिकमेंड कर रखा है। अर्लियर नेगोशिएशन जो यूनियंस के साथ किए गए थे उसमें भी यूनियंस ने कहा था कि भाई इसको ऐसा कि ऐसा एज इट इज हम 5 वर्किंग डेज पर ही जाना चाहेंगे। तो यूनियन और एसोसिएशन ने इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो जब साइन करेंगे उसके पहले बाइपार्टाइट एग्रीमेंट ज्वाइंट नोट के पहले ये लोग डिसाइड करेंगे, फिर गवर्नमेंट क्या इस पर कहती है वो भी अनाउंस होगा। ऑल अदर इश्यूज जो भी इश्यूज होंगे इसके अलावा मैनेजमेंट के और यूनियन एसोसिएशन के वो डिस्कस किए जाएंगे और अंडर प्रोसेस है जिनमें नेगोशिएशन हो रहा है इंक्लूडिंग द पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया टू पेंशनर्स, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को क्या वहां पर बेनिफिट्स मिलने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक फॉरेन बैंक्स के उनको भी सेटल किया जाएगा, अभी सेटल नहीं किया गया है, म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन के साथ उस पर भी काम किया जाएगा बाय द म्यूचुअल, मतलब वो एसोसिएशन और आईबीएम मिलकर के उस पर भी कोई ना कोई डिसीजन कोई ना कोई समाधान वहां वो निकाल ही लेंगे, राइट। चलिए तो इसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देंगे कि सर हमें इस पर्टिकुलर चीज में ये चीजों का डाउट है, हमें ये समझ नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप वहां पर पूछ सकते हैं। सैलरी कैलकुलेशन को लेकर के हम एक पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे कि कैसे इस पर क्या इफेक्ट होगा और कैसे आपको कितनी सैलरी एक साथ मिल पाएगी, तो उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला। तो आप क्या करेंगे, अगर आप कोई भी बैंकर एंड इफ यू preparing for any of the promotional exam JIB, CAIIB or any of the bank promotional examination. So, आप हमारे Olive Board channel पर आइए, वहाँ बहुत सारा free of content, free of cost आपको content मिलेगा, आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं, अपनी preparation कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे काफ़ी सारे courses हैं जो bank promotional examination, JAIIB और CAIIB के भी हैं। इसके साथ ही हम आगे lined up होने वाले हैं काफ़ी सारे जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उनके साथ भी, तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए हमारे साथ यानी ऑलिव बोर्ड के साथ, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिए और कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो मैं यहाँ सेशन को एंड कर रहा हूँ, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ यानी ऑलिव बोर्ड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में।